नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इसरो ने मंगलवार को बताया कि प्रज्ञान रोवर में लगे लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप डिवाइस ने चांद पर सल्फर मौजूद होने की पुष्टि कर दी है। इसके अलावा इसरो ने कहा कि रोवर के स्पेक्ट्रोस्कोप ने उम्मीद के मुताबिक ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, फेरस, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन का भी पता लगाया है। हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिशों के प्रति लोगों को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी सरकार की नाकामियों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कर सकती है। द टेलीग्राफ के मुताबिक महाराष्ट्र के हिंगोली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो प्रधानमंत्री मोदी के करीबी थे और तृणमूल सांसद महुआ मोहत्रा ने कहा है कि बीजेपी 2024 का चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। उन्होंने 2019 में पुलवामा घटना को लेकर सवाल उठाए हैं और आशंका जताई है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें गौरवशाली हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन हिंदू होने का मतलब मुसलमानों से भेदभाव नहीं है। मुझे बीजेपी से किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं मैं हिंदुत्व से भाग गया हूँ। गलत, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं देशद्रोहियों के खिलाफ हूँ। देशद्रोहियों को फांसी दे दो, लेकिन जय श्री राम का नारा आपको हिंदू नहीं बनाता है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए नौकरियां कहाँ हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए आगे कहा, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सही माने में तो सबको लात अपने दोस्तों का विकास है आप सुनिश्चित करते हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मोदी ने डर कर कृषि कानून वापस लिए, अब वो डर की वजह से ही गुरुद्वारों में जाते हैं। जिस वक्त किसान आंदोलन हुआ उस वक्त मैं मेघालय का गवर्नर, उस दौरान मैंने 10 दिन तक विचार किया कि कुछ बोलना चाहिए या नहीं। मुझे कई लोगों ने समझाया कि आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हो जाओगे, क्यों झगड़ा करते हो, लेकिन मैंने कहा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रिटायर होंगे तो कुत्ता भी रास्ता नहीं छोड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार दूर दूर तक नहीं आएगी, 2024 में भी मोदी दिल्ली से हट जाना चाहिए, वो 100% हट जाएंगे। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने गांधी परिवार की तारीफ करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। वरुण गांधी ने सोमवार को जनसंवाद कार्यक्रम में राजा और एक गायक की कहानी सुनाते हुए कहा कि गांधी परिवार उस किस्म का नहीं है जो आपसे मीठी मीठी बातें करके आपका वोट चोरी कर ले। उन्होंने कहा वो भले कड़वी बातें बोलें, लेकिन बोलेंगे हमेशा सच। वो ऐसी व्यक्ति नहीं है जो केवल झूठा ड्रामा करके आपका वोट लेकर चले जाएं। उन्होंने जनता को नसीहत देते हुए कहा कि भेड़ चाल में शामिल होकर वोट ना दें। ऐसा ना हो कि कोई आए, भारत की जय बोले, जय श्री राम बोले और आप उसे वोट दे दें। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर पीएम मोदी और ईडी को घेरा है। संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी ईडी को भ्रष्टाचार खत्म करने का साधन बताते हैं, लेकिन वो एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गया है, धन उगाही का डिपार्टमेंट है। उन्होंने कहा कि ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर 7 लोगों के साथ तथाकथित शराब घोटाले में एक आरोपी को बचाने के लिए 5 करोड़ की रिश्वत लेते पकड़ा गया। एक्सटॉर्शन मामले से जुड़े सीए के पास से 2,14,00,000 और 1,90,00,000 रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई। पीसी के दौरान संजय सिंह ने कहा कि एक्सटॉर्शन में ली गई रकम में किन किन अधिकारियों का हिस्सा है, इसकी जांच की जानी चाहिए। ईडी ने पिछले 9 सालों में 3,000 छापेमारी की और मात्र 23 लोगों पर आरोप सिद्ध कर पाई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज ईडी पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने सीजीआई चंद्रचूड से अपील की है कि ईडी को बंद करें और ये सिर्फ बीजेपी की गुंडा विंग है। संजय सिंह ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगा कि ईडी, जो कि पूरे देश में विपक्षी दलों को धमकी देने के लिए, धन उगाही के लिए, बीजेपी के लिए गुंडागर्दी करता है, उसे बंद कर दें। अनअकैडमी के टीचर अवध ओझा का एक बयान काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने बच्चों को पढ़ाते हुए एक वीडियो में कहा है कि 4.5 साल दवा के पैसा लेना है, फिर 6 महीना छूट देनी है उसी पैसे में। जो बेवकूफ हैं उसे बेवकूफ बनाना ही चाहिए, जो समझदार है वो राजनीति में बैठे हैं, यही राजनीति का फंडा है। अब चुनाव आ रहा है 2024 में,
अब दिसंबर तक सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल सबकी कीमतें घट जाएंगी अपने आप। इसके बाद लोगों का कहना है कि जो ओझा जी ने कहा सो हुआ है। बता दें अवध ओझा वहीं पढ़ा रहे हैं जहां करण सांगवान पढ़ाते थे, जिन्होंने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों को वोट देना चाहिए। उसके बाद विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रसोई गैस की कीमतों में अचानक से कटौती कर दी है, लेकिन ऐसा अभी ही क्यों किया गया है? आप पूछ सकते हैं, ये किस्सा है डेमो कुर्सी का। कर्नाटक में बीजेपी की हार, एलपीजी की ऊंची कीमत चुनाव के मुख्य मुद्दों में से एक थी। नंबर दो, दो महीनों में इंडिया की दो बेहद सफल बैठकें और तीसरी अगले दो दिनों में होने वाली है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 100 दिनों में अपनी 5 गारंटी लागू कर दी है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार 500 रुपये एलपीजी सिलेंडर दे रही है। लोगों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि वो भाजपा के कुशासन से परेशान थे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से 3 महीने पहले जहां बीजेपी निश्चित रूप से हारने जा रही है और लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले भाजपा वास्तव में तिनके का सहारा ले रही है। आने वाले महीनों में ऐसे और गिफ्ट्स की उम्मीद है क्योंकि पीएम मोदी अपनी कुर्सी से चिपके रहने के लिए और अधिक बेचैन दिख रहे हैं। केंद्र सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपये की कटौती कर दी है। बता दें बीते काफ़ी समय से बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर विपक्षी पार्टियां हमलावर थीं और कांग्रेस चुनावी राज्यों में भी गैस सिलेंडर के दाम कम करने की गारंटी दे रही है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा, आज ओणम और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सभी उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम किए जाएंगे। रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री ने देश की बहनों को सौगात दी है। उन्होंने ये भी बताया कि उज्ज्वला स्कीम के तहत मिलने वाला सिलेंडर अब 400 रुपए सस्ता मिलेगा। दरअसल उज्ज्वला इस योजना के कनेक्शन में पहले से 200 रुपए की छूट सरकार की ओर से मिल रही है। ताज़ा ऐलान के बाद उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन वालों उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर कुल 400 रुपए सस्ता हो जाएगा। मंगलवार को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम घटाने के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। सीएम बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि अब तक इंडिया गठबंधन की 2 बैठकें हुई हैं और गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कमी कर दी गई है। ये है इंडिया का दम। बता दें लंबे वक्त से विपक्षी पार्टियां महंगाई को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया है। इसकी 2 बैठकें पटना और बेंगलुरु में हो चुकी हैं और तीसरी बैठक 31 और 1 अगस्त को मुंबई में होने वाली है। चीन के नए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों को शामिल किए जाने पर भारत सरकार ने राजनयिक स्तर पर विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपने ट्वीट में इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, आज हमने राजनयिक स्तर पर चीन के कथित स्टैंडर्ड नक्शे को लेकर उनसे कड़ा विरोध जताया है। बागची ने इस ट्वीट में आगे कहा, ऐसे किसी दावे का कोई आधार नहीं है। चीन के ऐसे कदमों से सीमा मुद्दों का समाधान और जटिल हो जाता है। कुछ दिन पहले ही G20 में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीरें दिखी थी और अब चीन ने फिर से उकसाने वाली हरकत कर दी है। चीन ने नया मैप जारी कर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना क्षेत्र होने का दावा कर दिया है। चीन के इस बेतुके और निरर्थक दावे के बाद प्रधानमंत्री मोदी निशाने पर आ गए। कभी चीन को लाल आंख दिखाने की बात कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मोदी से कहें, यदि आप मजबूरी के कारण भारत माता की अखंडता की रक्षा नहीं कर सकते हैं, जिसे आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप हट जरूर सकते हैं और रिटायर्ड होकर मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो जाएं। झूठ से हिंदुस्तान की रक्षा नहीं हो सकती। भारत एक और नेहरू को बर्दाश्त नहीं कर सकता। केंद्र सरकार ने बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार सुबह दाखिल किया हलफनामा कुछ घंटे बाद वापस ले लिया। पहले हलफनामे के पैरा 5 में लिखा था कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत केंद्र के अलावा किसी और सरकार को जनगणना या इससे मिलती जुलती प्रक्रिया को अंजाम देने का अधिकार नहीं है। बाद में केंद्र ने इस हिस्से को हटाते हुए नया हलफनामा दायर कर दिया। इसमें कहा कि पैरा 5 अनजाने में शामिल हो गया था। नया हलफनामा संवैधानिक और कानूनी स्थिति साफ करने के लिए दायर किया गया है। केंद्र सरकार भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार SC ST OBC के स्तर को उठाने के लिए सभी कदम उठा रही है। इससे पहले बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट में कह चुकी है कि ये जनगणना नहीं है,
बल्कि सर्वे है। इसके बाद ही पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को सर्वे कराने को हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जाति सर्वे पर रोक लगाने को लेकर कहा था कि जब तक प्रथम दृष्टया कोई मामला ना हो हम किसी भी चीज पर रोक नहीं लगाने वाले हैं। प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, राज्य के पक्ष में फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्या ये प्रतिभागियों की गोपनीयता का उल्लंघन है जब बिहार जैसे राज्य में जाति सर्वेक्षण किया जाता है जहां हर कोई अपने पड़ोसियों की जाति जानता है। जाति जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे और कुछ घंटों में ही उस हलफनामे को बदलने को लेकर मंगलवार को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तीखे सवाल उठाए। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जहां तक जाति जनगणना पर केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे की बात है तो इससे भाजपा के लोगों का असली चेहरा उजागर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामा कुछ घंटों में ही बदल दिया गया, इससे पता चलता है कि भाजपा जाति जनगणना से कितनी डरी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले कभी भी जाति आधारित जनगणना नहीं चाहते थे। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि भाजपा किससे डरती है, क्यों हलफनामा दाखिल किया गया। जाति जनगणना पर केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि भाजपा का जन्म ही पिछड़ा विरोध में हुआ है। भाजपा कभी भी नहीं चाहती है कि वंचित वर्गों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी भी वर्ग के गरीबों के कल्याण के लिए बिहार सरकार द्वारा कोई सामाजिक सर्वे कराना गरीब विरोधी भाजपा को अनुचित कैसे लगता है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री और जदयू नेता विजय कुमार चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के इस हलफनामे पर कहा कि जातीय जनगणना के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो किया है वो न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि आश्चर्यजनक है। वहीं जातीय जनगणना पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि उनकी सरकार जनगणना नहीं बल्कि सर्वे करा रही है। हम विभिन्न जातियों के लोगों की संख्या नहीं गिन रहे हैं बल्कि हम उनकी आर्थिक स्थिति का सर्वे करा रहे हैं ताकि हमारे पास उनका सही डेटा हो। हम लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र की बहाली महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाली के महत्व पर जोर दिया। एनडीटीवी के मुताबिक अदालत ने अनुच्छेद 370 पर मंगलवार 29 अगस्त को सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी पूछा, क्या आप एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल सकते हैं। इस पर मेहता ने असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण दिया। वहीं आज केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमें जानकारी दी गई है कि जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित दर्जा स्थायी नहीं है और इसका राज्य का स्टेटस बहाल किया जाएगा। हालांकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। जब एसजी ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर का यूटी स्टेटस स्थायी नहीं है, चीफ जस्टिस ने टाइम फ्रेम के बारे में पूछ लिया और कहा, ये कितना अस्थायी है, आप चुनाव कब कराने जा रहे हैं। एसजी ने जवाब दिया कि वो इस मामले पर सरकार से निर्देश लेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है। मणिपुर हिंसा शुरू होने के बाद पहली बार विधानसभा सत्र आयोजित हुआ। एक दिवसीय सत्र को कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बाद एक घंटे में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक मांग कर रहे थे कि एक दिवसीय विधानसभा सत्र राज्य के हालात पर चर्चा के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए सत्र को 5 दिनों के लिए बढ़ाया जाए। इससे पहले सदन में हिंसा में लोगों की मौत पर शोक जताया गया। वहीं कुकी समुदाय से आने वाले 10 विधायक इस दौरान सदन में अनुपस्थित रहे। मणिपुर में इस साल मई महीने से हिंसा जारी है और इसमें कम से कम 150 लोगों की मौत हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की मंगलवार 29 अगस्त की खबर के मुताबिक बरेली दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 जून को एक बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने 2 मिनट के लिए बस रोककर 2 मुस्लिम यात्रियों को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी थी क्योंकि उनकी नमाज का समय हो गया था। इस घटनाक्रम का किसी यात्री ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में बस कंडक्टर मोहित यादव और ड्राइवर को निलंबित कर दिया गया है। मोहित यादव अनुबंध पर कंडक्टर थे, यानी वो सेवा में स्थायी नहीं थे। मोहित यादव ने मैनपुरी में एक ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। उनका शव सोमवार को उनके घर के पास रेलवे लाइन पर पाया गया। वो रविवार रात से गायब थे। मोहित यादव मैनपुरी जिले में नंगला खुशहाली के रहने वाले थे। वो पिछले 8 सालों से यूपी रोडवेज में अस्थायी बस कंडक्टर थे। उन्हें हर महीने करीब 17,000 रुपए वेतन मिलता था। उन्हें नमाज वाला वीडियो सामने आने के बाद
ड्राइवर केपी सिंह के साथ जून में सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन बाद में मोहित को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन चूंकि ड्राइवर केपी सिंह स्थायी कर्मचारी हैं, तो निलंबन के बाद भी उन्हें आधा वेतन अभी भी मिल रहा है, लेकिन मोहित अस्थायी होने के कारण संकट में आ गए। पीटीआई के खबर के मुताबिक जमीयत ए उलेमा हिंद ने खुब्बापुर गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक अन्य निजी स्कूल में उस बच्चे को शिफ्ट किया जा रहा है जिसे गांव के स्कूल में थप्पड़ लगवाए गए थे। जमीयत के जिला अध्यक्ष मौलाना मुकर्रम ने पीटीआई को बताया कि जमीयत ए उलेमा हिंद ने लड़की की शिक्षा को स्पॉन्सर करने का बीड़ा उठाया है और शाहपुर के एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में उसके एडमिशन की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि जमीयत ने लड़के को नए स्कूल में लाने और ले जाने के लिए एक वाहन किराए पर लिया है, जहां उसे अपर केजी में दाखिला दिया गया है और दावा किया गया कि जब तक वो पढ़ना चाहता है जमीयत उसकी शिक्षा को स्पॉन्सर करेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से टीचर का एक विवादित वीडियो वायरल हुआ। अब ऐसा ही एक मामला दिल्ली के शाहदरा से सामने आया है, जहां सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका पर मुस्लिम छात्र के सामने मक्का मदीना को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा है। ये मामला दिल्ली के शाहदरा के एक सरकारी स्कूल का है। पुलिस ने टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि वो जल्द ही जांच के बाद संबंधित मामलों में केस दर्ज करेंगे। पुलिस को महिला टीचर के खिलाफ शिकायत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार 29 अगस्त को तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान की 3 साल की सजा को निलंबित कर दिया। पाकिस्तान के द डॉन अखबार के मुताबिक इस बहुप्रतीक्षित आदेश की घोषणा चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बेंच ने जेल की सजा के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री की अपील पर की। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसले की कॉपी जल्द ही उपलब्ध होगी। हम अभी सिर्फ यही कह रहे हैं कि इमरान का अनुरोध मंजूर कर लिया गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।